बोल्ट ऑडियो प्रोबेस Curve. इसका जो मैंने पहला सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट uh, यूज़ किया था बोल्ट ऑडियो को बेस लूप्स वो मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मैंने उसका वीडियो बनाया था एंड लिटरली उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी पैथेटिक थी सब कुछ हिला हुआ था वहाँ पे एंड उसके बाद दूसरा ये प्रो बेस कफ मंगाते टाइम मेरे माइंड में ना एक सीरियसली एक पॉइंट था कि मैं मंगाऊँ या ना मंगाऊँ बिकॉज इसके मैंने बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज़ खुद देखे हैं एंड अमेज़ॉन पर जब हम सर्च आउट करते हैं तो रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली हम देखते हैं तो मोस्टली रिव्यूज़ वहाँ पर पॉजिटिव साइड पर आपको मिल जाएंगे बट स्टिल मेरे माइंड में डाउट था बिकॉज मैंने खुद एक इसकी यूज़ करी है बट स्टिल मैंने ऑर्डर किया बिकॉज ये नेक बैंड मुझे काफ़ी ओवरऑल वेल बैलेंस्ड लगा अब मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड लिटरली दीज आर क्वाइट गुड सिंपल वे में कहूँ तो इसका जो माइक है ना सबसे ज़्यादा मुझे इसका माइक सही लगा आप यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत टाइम से मेरी मम्मा इसको यूज़ कर रही हैं एंड वो इसी पे अपनी कॉल्स अटेंड करती हैं एंड उन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई एंड मैंने भी जब भी उनसे कॉल पे बात करी है तो मुझे भी कोई कॉल Uh, के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं लगा अगर आप मेरे से पूछोगे कि कॉल क्वालिटी कैसी है तो आई वुड से कि इसमें अच्छी बात यह है कि मैंने इसको जितनी बार मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट में टेस्ट किया है ना वहाँ पे मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं I mean, आई मीन आसपास की जो एम्बियड एंड सराउंडिंग नॉइज़ होती है ना वो ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देता है एंड जो सामने जो क्लैरिटी वॉइस की आती है ना दैट इज़ गुड अगर आप ये बोलोगे ना कि वॉइस में क्लैरिटी कैसी है तो आई वुड से इट इज़ मीडियोकर वो एवरेज है बट जो ओवरऑल मतलब जो मैं बोलता हूँ सामने वाले को कितना समझ में आता है दैट इज़ गुड एक होती है बिल्कुल क्लैरिटी तो मैं वो नहीं बोलूंगा वहाँ पे थोड़ा सा एवरेज है बट हाँ जो माइक का डिसेंट काम होता है ना कि यहाँ से वहां तक मेरे जो बोल अक्षर है वो क्लियरली समझ में आए तो वो ये अच्छे से करता है तो माइक मुझे इसका रेली में बहुत सही लगा अगर यहाँ पे बात करूँ मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की तो मैं यहाँ पे इसको एक पॉइंट और दूंगा रीज़न इज़ दैट कि इनका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री पे इन है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है बट ट्रस्ट मी कानों में बहुत अच्छे से एंड टाइटली रेस्ट करते हैं ये कानों से फॉलो ऑफ नहीं होते हैं एंड अगर आप जिम के लिए ना इसको देखने का सोच रहे हो तो दिस विल बी योर परफेक्ट पार्टनर बिकॉज ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इनकी फिट ना बहुत रग्ड है आपके कहानों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे बट इसका एक रीज़न बाद में दूंगा इसकी साउंड में एक थोड़ा सा एक बात आती है खैर बाद में बात करते हैं कंफर्ट इसका रेली में बहुत डिसेंट है एंड अच्छी बात यह है कि मैं आपको एक रजेशन देता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक हमारे जो वायर्ड ब्लूटूथ इयरफोन्स आते हैं जिनमें नेकबैंड नहीं होता वो मुझे थोड़े से कम कन्वीनियंट लगते हैं बिकॉज वो झूलते रहते हैं उनमें वेट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता तो इधर इधर होते रहते हैं बट इसमें प्रॉपर एक नेकबैंड है जो मतलब आपके ईयरफोन्स को मतलब वहीं अपनी प्लेस पे रखेगा एंड इसमें मैग्नेटिक लॉक्स भी आते हैं तो इवन मैं कई बार तो इनको पहन के रात को सो चुका हूं तो मुझे ये चीज बहुत सही लगती है मैग्नेटिक लॉक्स है एंड इसमें वायर एडजस्टर भी है वायर की लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो तो दीज आर रियली वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी डिसेंटली कंफर्टेबल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं इसको बोलूंगा एवरेज है बिल्ड क्वालिटी मैं एक चीज यहां मैंशन करूंगा देखो मुझे इसको काफी टाइम गया यूज करते हुए बिल्ड क्वालिटी इसकी मेडियोकर है एवरेज है बट उसकी वजह से मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों कह रहा हूँ देखो ओवरऑल मतलब जो उसका बैंड uh, है वो बहुत फ्लैक्सीबल है बहुत अच्छे से मुड़ जाता है कोई वहाँ दिक्कत नहीं है बट जो इसका मेटीरियल है ना प्लास्टिक का वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता है मतलब इट्स फील जस्ट लाइक ओके ओके है ठीक है बट यहाँ पर जो उसके बटन्स है ना वहाँ पर थोड़ा सा मतलब हल्का सा एक uh, मतलब उतने टैक्टाइल नहीं है वहाँ जो बटन्स है ना बेसिकली यहाँ पे थोड़े से क्लटर करते हैं उतने रिजिड नहीं है टैक्टाइल नहीं है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हल्का सा लगा कि बटन में थोड़ी सी स्टडीनेस कम है एंड सेकेंड थिंग हल्का हल्का इसमें से वियर ऑफ कलर्स का थोड़ा सा है बट इट इज़ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है बाकी ओवरऑल क्वालिटी बोलूँगा जस्ट एवरेज है बट क्वालिटी से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी परफॉर्मेंस में कि मतलब इट्स लाइक like कि जो क्वालिटी है दैट इज ऑन अनदर प्लेस बट उसकी वजह से इसकी रिलायबिलिटी पे कोई फ़र्क मुझे आज तक पड़ता हुआ नज़र नहीं आया yeah. काफी गे है काफ़ी बार गिरे भी हैं मैंने बहुत रफली यूज़ भी करे हैं दिन रात ही यूज़ होते हैं तो उसके बावजूद भी ये आज तक बिल्कुल सही काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की तो दैट इज़ डिसेंट आई मीन रियली वेरी डिसेंट एक चीज मुझे बहुत सही लगी इंस्टेंट पेयरिंग मैंने जितनी बार भी इनको ऑन किया है मेरा फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है अपने आप ये बहुत जल्दी विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स पेयर हो जाते हैं जितनी बार भी करो मुझे आज तक रिगार्डिंग कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं लगी है एंड एज यूजुअल जितना मैंने इनको टेस्ट किया है ना मतलब एक जगह फ़ोन रख के आसपास घूमने का कभी भी कोई मुझे इंटरफेरेंस या ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई है तो रिगार्डिंग कनेक्टिविटी देर इज़ नो इशू अकॉर्डिंग टू मी सो रिगार्डिंग कनेक्टिविटी देर इज़ नो इशू जो मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू लगा नहीं है कनेक्टिविटी इसकी फ्लॉलेस है एकदम सही काम करती है एंड बात रही इसके कंट्रोल्स की बहुत सिंपल है बीच में जो पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए है ठीक है आप इसमें वॉल्यूम एंड वॉल्यूम लो एंड वॉल्यूम अप मतलब बेसिकली वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है अपने इससे ही आप अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम है बेसिकली गानों की आप एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करोगे तो गाना आगे हो जाएगा माइनस वाला बटन दबाओगे तो गाना प्रीवियस हो जाएगा एंड आप जब इसको बेसिकली डबल टैप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है तो सिंपल कंट्रोल्स हैं इसके बॉटम पे इसका है चार्जिंग की चार्जिंग यूनिट है जो कि माइक्रोवेज भी है बाकी जो बैटरी बैकअप है ना इसका दैट इज़ अराउंड बारह से तेरह घंटे ठीक है मुझे भी इसमें मैंने जितने मैं को सुनता हूं मोस्टली सेवेंटी से 80 परसेंट एटी भी नहीं बोलूंगा सेवेंटी परसेंट पे उससे ऊपर मैं नहीं जा पाता हूं रीजन दूंगा थोड़ी देर में ठीक है तो बैटरी के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है डेढ़ घंटा ही लेता है फुल चार्ज होने में एंड बारह घंटे या आपको दस घंटे का बैटरी बैकअप हायर वॉल्यूम्स पे अराउंड मिल जाएगा तो बैटरी जस्ट इसकी ओके है कोई दिक्कत नहीं है अब आते हैं द तो मेन थिंग दैट इज़ एन ऑडियो क्वालिटी मैं पहले बोल्ड ऑडियो से डिसअपॉइंट हुआ था इस बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ बट हाँ मुझे इसकी आवाज़ फिर भी सही लगी फॉर द प्राइज एंड ओवरऑल जो मुझे इसका माइक इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एंड ओवरऑल कंफर्ट सब चीज़ें मुझे ना इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा एंड इसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा है मतलब लिटरली दे आर लाउड बट एक इसमें दिक्कत है मैं बताता हूं क्या ऑडियो में देखो ऑडियो में ना इसका जो ऑडियो है ना बेसिकली दैट इज समे थोड़ा सा बेस हैवी है मतलब इसमें जो बेस है ना अगर मैं लोस की बात करूं ना तो बेस इज हैवी इन दिस एंड मुझे जो जो बेस का बिल्कुल लो एंड होता है ना अगर आप समझो किसी ढोलक अगर एक ढोलक बसती है कोई तबला बसता है तो उस तबले में जो लो एंड की जो एक साउंड जो बेसिकली लो एंड इफेक्ट होता है ना वो उसमें बहुत तेज आता है एंड लिटरली वो थोड़ा सा मुझे हेडेक कर देता है मैंने मैंने एक्चुअली इनको ना जब पैंतालीस मिनट नॉन सुनता रहा ना तो मतलब मेरे सीरियसली बोलूँ एक तो इसकी फिट काफ़ी टाइट है कानों में बहुत अच्छा सा वैक्यूम भी बना देता है तो मुझे ना बहुत देर बाद वो जो लो वैंड इतना तेज़ हिट करता है ना मतलब वो बेस और लो एंड रंबल बेसिकली एक होता है ना कि बेस के रंबलिंग होना थोड़ा तो लो वैंड पे वो बहुत ज़्यादा है इसमें हल्का सा ढोलक बसता है तो वो ढोलक की जो एक धमधम होती है ना वो बहुत तेज़ लगती है और मुझे मतलब लिटरली बहुत देर बाद मेरे कानों में सर में थोड़ा सा दर्द हो गया ये सब्जेक्टिव टॉपिक है बट हाँ इसकी बेस वैली में थोड़ी सी ज़्यादा है बट अच्छी बात मुझे ये लगी है कि बेस का इफेक्ट ना ऐसे नहीं पड़ा मतलब कि कि साउंड डल हो रही है या बहुत ज़्यादा मतलब कि दब रही है ऐसा नहीं है बट इसमें ना एक दिक्कत ही है चलो मिड्स में आता हूँ फिर बताऊँगा दिक्कत क्या है आ, मिड्स जस्ट लाइक कि इसके मिड्स ना आ, डिसेंट है मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा बट मिड्स में थोड़े से बेस हैवी मिड्स हैं अगर सपोज किसी गाने में गहराई ज़्यादा है अगर समझो किसी आप किसी सिंगर की वॉयस में ना डेप्थनेस ज़्यादा है ठीक है थोड़ी गूंज ज़्यादा है तो ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा गूंज दे देगा इतना ज़्यादा उसको म्यूज़िक को डीप कर देगा ना कि वो Uh, थोड़ा सा सही नहीं लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एंड हल क्लैरिटी आई वुड से कि क्लैरिटी सही रहती है क्लैरिटी में दिक्कत नहीं है दिक्कत वही है कि थोड़ा सा वोकस uh, में ना इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना वो लो एंड में इतना ज़्यादा डीप uh, चले जाते हैं कि वो गूंज मतलब गूंज नहीं इट्स लाइक like कि थोड़े बेस हैवी हो जाते हैं तो मुझे कई बार लगा कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे एंड एक्चुअली वही ट्यूनिंग है कि थोड़ी सी बेस ट्यूनिंग इसमें ज़्यादा है बेस की क्वालिटी काफ़ी सही लगी मुझे बेस काफ़ी मतलब रियली में बेस ना एक्चुअली हैवी है बहुत जो पंच थंप uh, आता है ना वो रेल really में बहुत स्ट्रोंग आता है एंड लो एंड रंबल काफी तेज है इसमें एंड अगर मैं बात करूं हाइज की अब देखो यहां पे ना आपको की समझाता हूँ इट इज़ लाइक दैट इसमें ना एक इनकसिस्टेंसी है बताऊं कहां पे वो है इसकी वॉल्यूम uh, इंक्रीज करने में जैसे आपने इसको पेयर किया इसकी वॉल्यूम फिफ्टी परसेंट पे है आप जैसे इसको बढ़ाओगे ना धीरे 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 सिक्सटी पे बढ़ाया इट इज एक्सेप्टेबल सेवेंटी पे बिल्कुल ठीक है ठीक है आप सेवेंटी तो काफ़ी लाउड हो जाएगी ये बट जैसे ही आप एट्टी पे आओगे ना उसमें इतना डिफरेंस आता है लाउडनेस में मतलब पहले इट इज़ लाइक प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है सिक्सटी फिफ्टी से पचास से साठ पे आई सही बढ़ी साठ से सत्तर पे सही बढ़ी बट सत्तर से अस्सी पे जैसे आप आओगे ना वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना और लिटरली इतनी बढ़ती है ना कि आपको एक चीज़ फील होगी दैट इज़ फैटिक मुझे बार बार ना मतलब आप ये मानो मैंने मैं, मैं uh, कोई भी एयरफोन्स होते हैं ना उनको काफ़ी लाउड सुन लेता हूँ 90 परसेंट पे भी इवन कई बार सौ पे भी इसको मैं एक बार भी अस्सी पे सुन नहीं पा रहा था बिकॉज फैटीक फील हो रहा था वोकल्स बहुत तेज हो गए थे एंड जो हाइज है ना इट्स इट वॉज लाइक कि उनको ज़बरदस्ती और तेज़ कर दिया है मतलब दे आर एक्चुअली मेड टू बी मतलब कि इट्स लाइक like कि बहुत तेज बजने को हो रहे हैं वो जैसे मैंने 80% वॉल्यूम पे आया ना वोकल्स भी लाउड हो गए एंड uh, जो हाइज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने लगे स्पाइकी हो गए वहां पे बहुत ज़्यादा पीक पे चढ़ गए थोड़े से uh, इट्स लाइक स्ट्राइकी हो गए तो मुझे मैं वो बहुत ना अनकंफर्टेबल हो गया था तो उनको सुनना फैटिक फील हो रहा था तो यहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है या तो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम बढ़े एकदम से वो सडन सर्ज आता है पंप आता है वॉल्यूम में दैट वाज नॉट गुड एंड हाई वॉल्यूम्स पे ना आवाज बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नॉइजी नॉइजी आई वुड से noisy, noisy, कि नाइनटी परसेंट पे भी आवाज़ बहुत क्वाइट क्लियर आवाज़ क्लियर आ रही थी बट वो बहुत ज़्यादा मतलब ना बोलते ना कि लिमिट से बाहर तेज हो गई थी वो था एंड चुभने लग गई थी थोड़ी सी एंड नॉर्मली अगर आप हाइस की बात करोगे कंट्रोल्ड वॉल्यूम तक तो हाइस भी इसके डिसेंट हैं uh, हाइस में क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लियर बसते हैं इसमें एंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एनर्जी अच्छी है एंड काफ़ी अच्छे से हिट कर देते हैं ओवरऑल इसकी जो साउंड है ना मुझे वो मतलब डिसेंट लगी थोड़े से वोकल्स मुझे बेस हैवी लगे बट वोकल्स क्लियर हैं एंड ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है हाँ लो एंड रंबल थोड़ा इसमें ज्यादा है तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ बेस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है काफ़ी डीप एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो जाती है हाइज आ क्लियर एंड क्वाइट क्रिस्पी तो ओवरऑल साउंड मुझे इसकी सही लगी बट मेन थिंग ये है कि बारह सौ में हाँ इसमें आई पी एक्स फाइव की रेटिंग भी है तो स्वेट प्रूफ भी है तो मुझे इसमें ओवरऑल चीज़ें सही लगी बैटरी सही लगी माइक एकदम बढ़िया काम करता है ऑडियो भी इसका मतलब मुझे डिसेंट लगा एंड कम्फर्ट इज़ रियली गुड कन्वीनियंट बहुत है नेकबैंड एकदम फ्लेक्सीबल है तो मुझे ये आई पी एक्स फाइव भी है तो मुझे ये बारह सौ के रुपये में मतलब बारह सौ के प्राइस पॉइंट मुझे काफ़ी ये सही लगे तो आई होप आप इन पर इन्वेस्ट कर सकते हो और भी इसमें काफी सारे आते हैं बट वो फिर थोड़े हाई एंड में जाएंगे लाइक रियलमी बर्ड्स आते हैं हमारे नेक बैंड में uh, और वन प्लस की वो फिर वो दो हज़ार की प्राइस पे आ जाते हैं अठारह सौ दो हज़ार ये बारह सौ वन हज़ार के में ना काफ़ी अच्छी डील है मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ दे आर वर्किंग रियली रियली गुड तो आई होप कि आपको वीडियो सही लगाओ एंड कोई भी क्वेरी एंड डाउट लगे तो मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग